हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर कोफ्ता करी, जो आपको बचपन की याद दिला देगा। ये हमारी मम्मी की रेसिपी है जिसको हमने अपने मम्मी से सीखा है। आज हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना पनीर कोफ्ता करी। इसको बनाने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना पनीर कोफ्ता करी। सबसे पहले यहाँ पर हमने 300 ग्राम छेना लिया है। इस छेने को हमने घर में बनाया है, आप चाहो तो पैकेट वाला पनीर भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को हमें इसमें मैश कर ऐड करना है। दोनों आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियन, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली, फाइनली चॉप्ड काजू। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, 3 से 4 फाइनली चॉप्ड हमने ग्रीन चिली लिया है और थोड़े से काजू को फाइनली चॉप कर लिया था। अब हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, एक अच्छा बाइंडिंग बन जाएगा और जो कोफ्ता का बॉल है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये सब पाउडर मसाला डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोफ्ता का एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हमें आटा जैसे गूंथते हैं उसी कंसिस्टेंसी में ये हमें डो जैसा चाहिए। इसको कोई पानी या कुछ भी नहीं डालना है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा बॉल बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह हमें सारे मिक्सचर का बॉल बनाकर रेडी कर लेना है। हमने यहाँ पर सारा बॉल बनाकर रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा बॉल बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही तेल को गर्म करके रखा था, अब इसमें सारे बॉल को डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। एक बार नीचे से पक जाए तो फिर इसको उलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है और जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हो कोफ्ता कितने अच्छे से लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। अब ये पूरा पक गया है, अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये हमने सारे कोफ्ते को तलकर बाहर निकाल दिया है। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब हम आपको दिखाते हैं ये अंदर से भी कितने अच्छे से पक गया है। ये आप देखो कितने अच्छे से पक गया है अंदर से। कोफ्ता रेडी हो गया है। अब हम ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज अनियन, 1 टमाटो, 6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 काजू लिया है। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। जब ऑयल गर्म होने लग जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई टमाटो, कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन और काजू। उसको ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से भुनना है। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए और टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको भुनना है। ये आप देख सकते हो प्याज का कलर धीरे धीरे चेंज होने लग गया है और टमाटो भी सॉफ्ट होने लग गया है। हम इसको और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ये आप देखो कितने अच्छे से प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। मसाला अब ठंडा हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये आप देखो कितना अच्छा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है हमारा। ग्रेवी का मसाला हमारा रेडी हो गया है, कोफ्ता बॉल भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम फाइनल प्रोसेस शुरू करते हैं। जिस पैन में हमने मसाले को फ्राई किया था उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपत्ता, 1 इंच सिनेमन स्टिक और 2 हरी इलायची डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटकने लग गया है। अब हम इसमें पीसी हुई मसाले का पेस्ट डाल देंगे। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। मसाला भूनने लग गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
हाफ टी स्पून देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर ऐड करने से मसाले में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड करना। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे। ये आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भुनने लग गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे। बटर से क्या होगा, इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब हम बटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। ये आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भुनने लग गया है और मसाले में से तेल भी बाहर आने लग गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उसी हिसाब से पानी ऐड करना। पानी ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसका ढक्कन लगाकर हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में एक उबाल आने तक इसको पकाना है। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से उबाल आने लग गया है ग्रेवी में। अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो करके ढक्कन निकालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे से चिपके ना। फिर से हम 1 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हो ग्रेवी कितने अच्छे से पक गए हैं और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। कलर तो अच्छा आया ही है, ग्रेवी की जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल गया है। हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, इससे ज्यादा पतली या ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अब हम गैस के फ्लेम को पूरा लो कर देंगे। अब इसमें पनीर का जो कोफ्ता हमने पहले से बना के रखा है उसको ऐड कर लेंगे। पनीर कोफ्ता की ये करी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में कोई मेहमान आए तो आप इसको ऐसे झटपट बना के खिला सकते हो। यहाँ पर हमने सारे पनीर के कोफ्ते को ऐड कर लिया है। अब इसको 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम में हमें पकाना है। उसके बाद हमें गैस के फ्लेम को तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो जो कोफ्ते का बल है वो खराब हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा क्रीम ऐड कर लेंगे जिससे ग्रेवी का टेस्ट और बढ़ जाता है। पनीर कोफ्ता करी अब बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। पनीर कोफ्ता की ये रेसिपी आप एक बारी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज।